बच्चों, अब देखो आप एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, राइट, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एलपीपी मिनिमाइज। मैंने पहला क्वेश्चन लिया 12.1 एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम तुम्हारे कोर्स से डिलीट हो गई है। वर्ड्स प्रॉब्लम में क्या होता था कि हम पहले उसकी स्टेटमेंट को पढ़कर पहले हम ये इक्वेशंस बनाते थे, इनको बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज, जहां पर लेस या ग्रेटर का साइन आ जाए, लेस या ग्रेटर का साइन आ जाए उनको लीनियर कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, उनको लीनियर इनइक्वालिटीज बोलते हैं, लीनियर इनइक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, जैसे मान लो एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0, इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। लीनियर इक्वेशन, समझ गया ना, इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे क्योंकि यहां लेस या ग्रेटर का साइन नहीं है। लेकिन अगर लेस या ग्रेटर का साइन आ जाता है तो उसको हम लीनियर इन इक्वेशन बोलते हैं। याद रहेगी बातें। अब सबसे पहले जो 11th क्लास में तुमने काम किया था वो मुझे करना है। सबसे पहले इनका मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, टेबल बनाऊंगा और ग्राफ प्लॉट करूंगा और शेड करूंगा। इसका नंबर सबसे लास्ट में आता है। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का काम जो है वो एंड में है, जब ग्राफ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब एरिया शेड कर लोगे तब उसके बाद है, अभी नहीं है। तो पहले आप समझो, मैं एक तुम्हें बनाकर दिखाऊंगा। मैं जैसे इस इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूं, इसकी मैं टेबल बना रहा हूं बच्चे। अब जब मैं इसकी टेबल बनाऊंगा तो एक्स की वैल्यू, अगर मैं एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 100 लूंगा, टेबल बनाने के लिए मुझे इक्वल टू का साइन लेना पड़ेगा। x के लिए जब मैं 0 पुट करूंगा बच्चों तो y 50 आएगा, और जब मैं y 0 पुट करूंगा तो x 100 आएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब बच्चों मुझे क्या करना होगा, ग्राफ पेपर के ऊपर पहले तुम समझोगे, ग्राफ पेपर का काम बाद में करोगे। x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, ये जो y एक्सिस है वो तुम ग्राफ पेपर पर लेफ्ट में रखोगे। y एक्सिस ग्राफ पेपर के ऊपर लेफ्ट में रखोगे क्योंकि तुम्हारी सारी वैल्यूज पॉजिटिव की आनी चाहिए। कौन एक्चुअली एक्स और वाई जो है ना, ये तो वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो तुम्हें पता चल जाता मैं क्यों बोल रहा हूं। वर्ड्स प्रॉब्लम है ना, एक्स और वाई क्वांटिटीज होती है, जैसे एक्स होता है नंबर ऑफ चेयर्स, वाई होता है नंबर ऑफ टेबल्स। तो हम कितनी चेयर्स और टेबल्स बनाए कि प्रॉफिट हमारा मैक्सिमाइज हो, कितनी चेयर और टेबल बनाए कि हमारा कॉस्ट मिनिमाइज हो। कॉस्ट हमेशा क्या करते हैं, मिनिमम। प्रॉफिट क्या करते हैं, हम मैक्सिमम। तो ऐसे क्वेश्चन थे जो तुम्हारे इस साल के लिए डिलीट हो गए, वर्ड्स प्रॉब्लम डिलीट हो गई है इस सेशन के लिए, समझ गए ना। बड़े इंटरेस्टिंग थे, बड़े मजेदार थे, बल्कि वो अच्छा टॉपिक था जो डिलीट कर दिया। चलो खैर, तुम्हें क्या, तुम्हारा तो आसान टॉपिक है, तुम्हें टेबल बनानी है, ग्राफ प्लॉट करना है बस, और इसका काम सबसे लास्ट में। अब बच्चों मैंने दो पॉइंट्स ले लिए। अब अगर तुम स्केल देखोगे बच्चों तो इसका मतलब मुझे स्केल कैसे लेना चाहिए, एक जो है 50 का ले लूं मैं, 25 नहीं, अच्छा मैं एक काम करता हूं, मैं इसकी भी टेबल बनाकर देख लेता हूं, क्योंकि दोनों की टेबल बनाकर ना 2x plus y equal 200 आइडिया हो जाएगा कि तुम्हें स्केल कैसे लेनी है। x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो y बच्चों 200 आ रहा है, और जब y 0 पुट करूंगा तो x 100 आ रहा है। तो एक बॉक्स आप 20 का लेते हो तो 50 का लोगे तो वेरी क्लोज हो जाएगा, जैसे तुम्हारी इच्छा, 50 का लेना 50 का ले लो। एक बॉक्स बच्चों या तो 20 का लो, है ना, अगर 20 लेता हूं तो 100 बच्चों यहां तक आएगा, और 200 भी मुझे लेना है तो एक बॉक्स में 50 का ले लेता हूं। चलो, तो 200 कितने का हो गया, 100 का, फिर 150 का, फिर 200 का, राइट। वो स्केल तुम्हारे हाथ में है, तुम जैसे मर्जी लो आंसर ठीक आएगा। अब सोचो बच्चों, यहां भी तुम 50, बच्चों बोलना नहीं है किसी ने भी, केवल सुनोगे तुम, जब मैं वीडियो स्टॉप करूंगा तभी बोलोगे। x की वैल्यू 0 पर, y की वैल्यू 50 है, तो 0 50 कहां पर होगा, एक यहां पर होगा, और 100 0 कहां पर होगा, यहां पर होगा। आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दोगे, क्लियर, मेरी बात समझ गए, ऐसे ज्वाइन कर दोगे। अब इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। अब सबसे पहले मुझे देखना है कि इसका शेड पोर्शन किधर आएगा, वो कैसे देखते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, कैसे देखते हैं। एक मेथड होता है बच्चों 00 मेथड। 00 मेथड क्या होता है, 00 मेथड में
एक्स की वैल्यू आप ही इक्वेशन ले लो, आप ग्रेटर का साइन ले लो, आप एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर देन 100, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करो, वाई की वैल्यू जीरो पुट करो, राइट तो यहां पर कितना आ गया 100 आ गया, तो जीरो ग्रेटर देन 100 हो गया, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, फॉल्स है ना। अगर ये बच्चा ट्रू होता तो ओरिजिन की तरफ शेड होता, अगर ये ट्रू होता तो ओरिजिन की तरफ शेड होता, राइट। अब बच्चों ये फॉल्स है बच्चों, तो ये ओरिजिन की तरफ शेड नहीं होगा, ये शेड किधर होगा? इस तरफ होगा। तो जब हम इधर शेड करते हैं तो ऐसे ऐसे करना चाहिए, पर मैं छोटे छोटे एरो लगवाऊंगा। जिसने 11th बच्चों मुझसे पढ़ाई की है उसको याद होगा कि मैं छोटे छोटे एरो लगवाता था, याद करो ये छोटे छोटे एरो लगाओ। इन एरो का मतलब है इधर शेड करना मुझे, अगर मैं अभी ऐसे शेड कर दूंगा सारा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, या तो अलग कलर से लो तुम, पर तुम छोटे छोटे एरो लगाओ, फाइनल एरिया हम शेड करेंगे ना, राइट। ये बताओ पहले यहां तक समझ आया? अब मैं इसको ले रहा हूं, फर्स्ट को मैंने ले लिया, अब मैं इसको सेकंड बोलता हूं, इसको थर्ड बोलता हूं, टेबल इसकी मैंने बना चुका हूं मैं, इसलिए मैंने इसको सेकंड ले लिया। जीरो टू टू हंड्रेड, जीरो टू हंड्रेड एक पॉइंट ये वाला हो गया बच्चों, एक हंड्रेड जीरो ये वाला पॉइंट हो गया। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये ग्राफ ऐसे बनेगा x, और यहां पर साथ साथ देखो इक्वेशन लिखा करो, इसकी इक्वेशन है बच्चों 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। अब बच्चों यहां पर मुझे लेना जीरो जीरो मेथड, तो 2x प्लस वाई लेस देन 200 है, अब जीरो जीरो मेथड लगाओ, क्या ये ट्रू है बच्चों? क्या जीरो 200 से छोटा होता है? ट्रू है ना। अगर ये ट्रू है तो शेड किधर होगा? ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की तरफ। तो एरो कहां चलेंगे बच्चों? छोटे छोटे एरो इधर चलेंगे, छोटे छोटे एरो आपके इधर चलेंगे, ध्यान से देखो आप। अब ये बताओ कितने पोर्शन में दो एरो एक दूसरे को कट कर रहे हैं? कितना पोर्शन में दो एरो कट कर रहे हैं? ध्यान से देखो, क्या इस पोर्शन में दो एरो कट कर रहे हैं? नहीं। क्या इस पोर्शन में दो एरो कट कर रहे हैं? नहीं। क्या इस पोर्शन में दो एरो कट कर रहे हैं? नहीं। वो हमारा आंसर नहीं होगा। क्या इस पोर्शन में दो एरो कट कर रहे हैं? एक उधर चला गया, एक नीचे आ गया, तो ये भी मेरे आंसर में नहीं है। क्या इस पोर्शन में दो एरो कट कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि यहां से ऊपर चला गया। तो दो एरो जो कट कर रहे हैं वो केवल ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन भी है और ये वाला पोर्शन भी है। ध्यान से देखो, मेरे ध्यान से देखो पेन की तरफ, एक ये वाला पोर्शन है और एक ये वाला पोर्शन है, राइट। ये वाला जो मैं दिखाई दे रहे, यहां से लेकर और ये वाला पोर्शन जहां दो एरो कट कर रहे हैं, यहां तक समझ आ गया? अभी दो एरो कहां कट कर रहे हैं वो सुनो बस, दो एरो किधर कट कर रहे हैं? जहां पर दो एरो मिल रहे हैं पहले वो एरिया पहचानो बस, दो एरो कहां पर मिल रहे हैं? इस एरिया में मिल रहे हैं, एग्री बच्चों? तो अभी तक ये आंसर है, अभी तक ये आंसर है। अब आगे चलते बच्चों, अब हम चलते थर्ड इक्वेशन पर। थर्ड इक्वेशन के लिए मुझे टेबल बनानी पड़ेगी, तो थर्ड इक्वेशन ध्यान से सुनना बच्चों, 2x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। इसकी टेबल बनाओगे बच्चों तो x की वैल्यू आप जीरो ले लो और y की वैल्यू भी क्या आएगी? जीरो आएगी। x की वैल्यू वन ले लो तो y की वन बहुत छोटी है ना, क्योंकि मैं 50 ले चुका हूँ, तो x की वैल्यू मैं एक्चुअली 50 ले लेता हूँ, 50 लेता हूँ तो y की वैल्यू 100 हो जाएगी, एग्री बच्चों? चलो ये दो पॉइंट बहुत है ना, एक्स की वैल्यू जीरो जीरो, एक तो बच्चों ये वाला पॉइंट हो गया। अब 50 और 100 कहां पर होगा बच्चों? यहां पर होगा, बोलो 50 के ऊपर 100 यहां पर होगा ना, सही कर रहा हूं मैं? हाँ। अब बच्चों इसको ऐसे ले जाओ, यहां पर पॉइंट होगा, क्लियर? तो ये मुझे ना 20 का लेना चाहिए था स्केल, चलो कोई गल नहीं। अब यहां तक समझ आया? अब क्वेश्चन समझो, तीन मैंने लाइनें प्लॉट कर दी हैं। अब बच्चों 2x माइनस वाई लेस देन जीरो, जीरो जीरो मेथड यहां फेल हो जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन क्यों लिया, 8th क्वेश्चन? बच्चे सोच रहे होंगे सर ने सीधा 8th क्वेश्चन क्यों उठाया, इस और सभी क्वेश्चन में ना ये वाली इक्वेशन नहीं थी, इसको समझाने के लिए मैंने 8th क्वेश्चन उठाया। इसमें जीरो जीरो मेथड फेल हो जाता है, क्योंकि 2x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, आप x की वैल्यू जीरो पुट करोगे, y जीरो पुट करोगे, जीरो लेस देन जीरो कैन नॉट डिटरमाइन कि वो क्या कहना चाहते हैं।
तो इस क्वेश्चन में, इसकी प्लॉटिंग में जीरो जीरो मेथड फेल हो गया, तो अब मैं क्या करूंगा? याद करो 11th क्लास से मैंने खास ट्रिक बताई थी, आप एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू पुट करो जो तुम्हारा मन करता है, जो तुम्हारा मन करता है, जो उसको सेटिस्फाई करता है। बोलो एक्स की वैल्यू क्या पुट करना चाहती हूं, जो सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन को। एक्स की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं बच्चों 10, एक्स की वैल्यू क्या दे रहा हूं मैं 10, तो बहुत वही दिखाई नहीं देगा ना। वैसे मैं ले तो सकता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 100 लेता हूँ तो y मेरा हो जाएगा, नहीं मुझे वो लेना है जो छोटा हो, y इक्वल टू साइन थोड़ी है, जो इसे जीरो से छोटा है। x की वैल्यू मैं 10 लूंगा और y मैं 50 लूंगा। मैंने x क्या लिया 10, y क्या लिया मैंने 50, तो 20 माइनस 50 लेस देन जीरो होता है या नहीं होता ये बताओ। होता है ना, तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं ना इसको, 20 माइनस 50 माइनस 30, -30 लेस देन 0 होता है, -30 लेस देन 0, तो ये 0.1050 देखो कहां पर है, समझ गए? 0-0 मेथड ना इसमें फेल हो जाता है, क्लियर? क्योंकि यहां कांस्टेंट टर्म नहीं है ना यहां पर, तो मैंने क्या किया, कोई भी दो पॉइंट ले लिए जो इसको सेटिस्फाई करे। अब 1050 देखो कहां पर आता है बच्चों, देखते हैं बच्चों 10, सोचो बच्चों कहां पर होगा। इसलिए ग्राफ पेपर मैंने कहा था कि ग्राफ पेपर भी करने हैं, क्योंकि बोर्ड पर ग्राफ पेपर भी तुम करोगे ना एग्जैक्ट पॉइंट पता होंगे 10 कहां पर है भाई। अब मैं आइडिया से ले रहा हूं, देखो 50 यहां पर है तो 10 यहां पर होगा, 50 कहां पर होगा इसके ऊपर, तो अब ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के बताओ ऊपर की तरफ आ रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है? ऊपर की तरफ आ रहा है, श्योर? अगर मैं एक्स जीरो लेता हूं और वाई मैं 100 लेता हूं, 0 और 100 लेता हूं, हाँ ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी 10 और 50 तो ये पॉइंट यहां आ रहा है, इस लाइन के ऊपर आ रहा है। तुम ग्राफ पेपर करोगे ना तो ये पॉइंट पता चल जाएगा कि 1050 कहां पर आ रहा है। जिधर 1050 आएगा उधर एरो चला दोगे, छोटी सी बात है। तो 1050 में मैंने देख लिया ऊपर आ रहा है, ऊपर तो ऊपर आ रहा है, तो इसके एरो कहां चलेंगे? ऊपर की तरफ। अब ये बताओ मुझे, अगर इसके एरो ऊपर की तरफ चलेंगे तो तीन एरो कहां का कट कर रहे हैं वो पहचानो बस। देखो ये एरिया पहले मेरे आंसर में था, अब ये खत्म हो गया, अभी खत्म हो गया, अब तुम्हारे से बनवाऊंगा ना तो साफ क्लियर हो जाएगा ग्राफ पेपर के ऊपर। एक बार समझा रहा हूं, अब तुम बनाओगे, ये खत्म हो गया। अब तीन एरो कहां का कट हो रही है वो पहचानो बच्चों, तीन एरो कहां का कट हो रही है, तीन एरो इसमें हो रही है, तीन एरो इसमें हो रही है, एग्री बच्चों? अभी तक मेरे आंसर में ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, खत्म नहीं हुआ अभी। अब चलते हम फोर्थ इक्वेशन, ये मेरी फोर्थ इक्वेशन है और ये मेरी फिफ्थ इक्वेशन है, एग्री बच्चों? अब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो क्या होती है? y एक्सिस, एक्स इक्वल टू जीरो क्या होती है बच्चों? y एक्सिस, राइट? और एक्स ग्रेटर देन जीरो कहां होगा, राइट में या लेफ्ट में? तो यहां से एरो किधर चलेगा? इधर चलेगा। यहां से एरो जब बच्चों इधर चलेगा तो अब ध्यान से देखो, अब वो नेगेटिव पोर्शन खत्म हो गया, एक्स ग्रेटर राइट में चलेगा ना। अब बच्चों चार एरो कहां पे कट कर रहे हैं भाई? यहां कट कर रहे हैं, ध्यान से देखो चार एरो इस पोर्शन में कट कर रहे हैं, एग्री बच्चों? अब ये वाला खत्म हो गया। अब आते हैं एक वो इक्वेशन है y इज इक्वल टू जीरो क्या होती है बच्चों? x एक्सिस क्या होती है? x एक्सिस। और y ग्रेटर देन जीरो कहां पर होता है बच्चों? ऊपर की तरफ, यानी एरो यहां से ऊपर की तरफ चलेंगे, तो पांच एरो हो गए बच्चों। बताओ पांच एरो कौन से एरिया में आ रहे हैं? ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल नहीं है, ध्यान से देखो ये बन रहा है क्वाड्रिलेटरल। एक देखो ये ग्राफ, जब तुम ग्राफ पेपर बनाओगे ना, देखो ये छोटी सी लाइन आ रही है, ये छोटी सी लाइन, ये देख रहे हो, ये लाइन आ रही है ना, और ये लाइन भी आ रही है और ये लाइन भी आ रही है, तो क्या बन रहा है बच्चों? क्वाड्रिलेटरल, समझ आया? तो अब होगा क्या बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है ना बीच वाला, ये ब्लैक होगा या रेड पेन पड़ा था, पता नहीं कहां चला गया यहां पर। सीमा गेट खोल दो थोड़ा सा, सीमा रेड पेन पड़ा था ना यहां पर, रेड मार्कर नहीं है वहां से, ये वाला नहीं है जो मैंने, ये व्हाइट कर जो प्लेन कर दिया मैंने, ये एरो चला तो गया ऊपर। पांच एरो कहां कट कर रहे हैं खुद ही सोच ले, पांच एरो कहां पर एक दूसरे को ऐसे ऐसे कर रहे हैं कटिंग, ये एरो यहां से उठेगा ना, ये उठेगा तो यहां कट करेगा ना,
जिस एरिया में पांच एरो एक दूसरे को कट करेंगे वही आंसर होगा, वो पहचानो भाई। देखो ना, ये वाला पहले पहले एरिया ये वाला आ रहा था, पहले एरिया यहां से यहां तक आ रहा था, जैसे ये वाली लाइन बनी ये वाला एरिया खत्म हो गया, क्योंकि एरिया इधर चला गया, एरो ऊपर चले गए। फिर जब ये वाली लाइन बनी तो इधर वाला एरिया खत्म हो गया। जब अब इसका आंसर पहले आ चुका था, इसने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, पर पांच एरो, ये वाला एरो भी तो ऊपर जाके यहां मिल रहे इस पोर्शन में, ये वाला एरो भी तो ऊपर जाएगा, जाएगा तो इसी पोर्शन में तो मिलेगा। तो पांच एरो कहां पे कट कर रहे हैं बच्चों? ये मैंने शेड कर दिया, ये देखा, ये देख रहे हो तुम, ये ट्राइंगल नहीं है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल है, इट्स क्वाड्रिलेटरल, ध्यान से देखो, क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, यहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है, क्लियर। तो अब मुझे इनके इस क्वाड्रिलेटरल के ना, ये बन रहा है ऐसे, ये बन रहा है ऐसे बच्चों, और थोड़ा सा ऐसे, और ये ऐसे, ये इस तरह का डायग्राम है यहां पर ही। तो इनके ना कॉर्नर जो पॉइंट्स है ना, इनके जो पॉइंट्स हैं, इनको नाम दे दो ए बी सी डी, इनके मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए। मैंने तुम्हें ये वाला पोर्शन यहां दिखा दिया, मुझे इनके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ग्राफ पेपर के ऊपर बनाओ, मुझे इन चारों के कोऑर्डिनेट्स चाहिए अभी, और उसके बाद इसका यूज होगा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का। जल्दी से ग्राफ पेपर के ऊपर करो, यस बच्चों, ध्यान से देखो आप, ए पॉइंट के जो ये ए पॉइंट है मेरा, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं ग्राफ पेपर के ऊपर तुम्हारे 0.50, और ये जो पॉइंट है बी पॉइंट है मेरा, ये वाला बी पॉइंट जो यहां दिखा रखा है, बी को निकालने के लिए मैं इस लाइन को और इस लाइन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने जा रहा हूं। 2x - y = 0, x + 2y = 100 फॉर बी पॉइंट, फॉर बी, इस बी पॉइंट के लिए मैं इन दोनों को सोल्व कर रहा हूं। तो बच्चों कैसे होगा, अगर मैं y की वैल्यू 2x पुट कर दूं, y की वैल्यू 2x, मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया, तो 5x = 100, x = 20, x = 20, y = 40, तो b के कोऑर्डिनेट्स आ गए बच्चों 20.40, 20.40 आ गए b के कोऑर्डिनेट्स। अब आती है बच्चों c की बात, c की बात बच्चों, c के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये मेरा पॉइंट c है, और इसके लिए मुझे इस लाइन को और इस लाइन को सोल्व करना पड़ेगा, यानी आप इसको सोल्व करोगे और इसको सोल्व करोगे। y की वैल्यू 2x पुट कर देता हूं यहां पर, तो 4x = 200, x = 50, तो x 50 आ जाएगा और 100 आ जाएगा। अब d पॉइंट जो है 200.0 होगा, d पॉइंट तुम्हारा है बच्चों, नहीं 0.200, 0.200, यहां तक कोई डाउट? पहले सब कर लो यहां तक, क्योंकि लास्ट काम अब रह गया, बस मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाला काम रह गया, जल्दी से ग्राफ बना लो। तुम्हें 5 में से 4 मार्क्स में मिल चुके हैं, ध्यान से सुनो बच्चों, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर मुझे। हो सकता है तुम्हारे इस एग्जाम में केवल मैक्सिमाइज पूछ ले, हो सकता है मिनिमाइज पूछ ले। कॉस्ट को हमेशा मिनिमम करते हैं, प्रॉफिट को हमेशा मैक्सिमम करते हैं, समझ गए ना? तो इसलिए यहां पर सबसे पहले मैं देखता हूं कि मैक्सिमम मैक्सिमाइज यानी मैक्सिमम जेड कब मिलता है, मैक्सिमम जेड, तो उसके लिए क्या करना है, दोनों आंसर इकट्ठे आ जाएंगे, एक साथ ही आ जाएंगे, मिनिमम जेड, मिनिमम जेड, यानी जेड की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी और मिनिमम क्या होगी, ये मुझे बतानी है, ठीक है ना? तो ये आंसर कैसे आएंगे, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है ना, ये आप इस इक्वेशन में पुट करते चलो, जिस पे सबसे कम आंसर आएगा वो मिनिमम, जिस पे सबसे ज्यादा आएगा वो मैक्सिमम। तो चलिए शुरू करते हैं, एट ए बच्चों, एट ए, एट ए 0.50, बताओ जेड इज इक्वल टू x + 2y, 0 + 50 × 200, तो जेड की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 100 आ रही है। एट एट बी बच्चों, बी है मेरे पास 20.40, और जेड की वैल्यू आप 20 और 40 42 80 80 और 20 बच्चों 100, तो यहां भी 100 आ रही है बच्चों। एट सी बच्चों 50.100, एट सी 50.100 बच्चों, तो 50 यहां पुट कर दो और 100 यहां, 250 हो जाएगा। एट डी बच्चों, और डी है मेरे पास 0.200, जेड की वैल्यू आ रही है 0.200 करना बच्चों, यहां पर 0 और यहां पर 200, 400, तो मिनिमम तो दो पॉइंट्स पे आ रहे, 20 40 या 0 50, ओके।
अब बताओ बच्चों, मिनिमम वैल्यू आ रही है जेड की, एक तो आ रही है बच्चों मिनिमम जेड आ रहा है 100 एट 0.50 एंड 20.40, और मैक्सिमम जेड आ रहा है बच्चों 400, मैक्सिमम जेड आ रहा है 400 एट 0.200। बताओ इसका मीनिंग क्या है? ये आंसर आ गया तुम्हारा, ये आंसर आ गया, ठीक है ना? अब ये आंसर आ गया बच्चों, अब ध्यान से सुनना बच्चों कि मिनिमम मैक्सिमम तो ठीक है, पर ये मिनिमम तो दो पॉइंट्स के ऊपर आ रहा है ना, तो 0.50 और 20.40 कहां कहां है बच्चों, देखना जरा, ये ए बी लाइन है ना, 0.50 यहां पर है ना और 20.40 यहां पर है ना, तो तुम पता है क्या लिखोगे, इस ए बी लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर, ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर ही मिनिमम आएगा, खाली 20.40 पर नहीं, इस लाइन ए बी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर जेड की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। तो तुम आंसर कैसे लिखोगे, आंसर लिखोगे जेड इज मिनिमम एट लाइन सेगमेंट एट ऑल पॉइंट्स, जेड इज मिनिमम एट ऑल पॉइंट्स, एट ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट ए बी, जेड इज मिनिमम इस लाइन सेगमेंट पर, जेड इज मिनिमम एट ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों, राइट। अब मैक्सिमम कहां पे आ रहा है, मैक्सिमम तो एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं, तो तुम लिखो जेड इज मैक्सिमम एट 0.100, जेड इज मैक्सिमम एट 0.200, क्लियर। तुम्हें पता है वर्ड्स प्रॉब्लम में क्या होता था, वर्ड्स प्रॉब्लम में मैं ऐसे नहीं लिखवाता था, वर्ड्स प्रॉब्लम में क्या आता था कि x हमारी मान लो नंबर ऑफ चेयर्स है, y हमारी मान लो नंबर ऑफ टेबल्स है, राइट। तो x नंबर ऑफ चेयर्स कितनी बनाए और नंबर ऑफ टेबल्स कितनी बनाए कि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो, तो आंसर क्या आता था कि आप चेयर बनाऊ मत, अगर मैं टेबल 200 बनाऊंगा तो प्रॉफिट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो ये एलपीपी इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरर को ये समझाता था, ये ग्राफ ये समझाता है कि आपको चेयर बना, आपको प्रॉफिट चाहिए ना ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा प्रॉफिट भाई 200 चेयर 200 टेबल बना ले, तुझे प्रॉफिट चाहिए 200 टेबल बना ले, प्रॉफिट आ जाएगा तेरे, तो चेयर बनाई मत, ग्राफ उसको समझाया। और मिनिमम के लिए भाई इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे 0.50 है, तो ये कह रहे हैं अगर तू चेयर नहीं बनाएगा और टेबल बनाएगा खाली 50, तो कॉस्ट मिनिमम होगी ऐसे, राइट, कॉस्ट मिनिमम होगी। और अगर 20 और 40 लेता है, x 20 लेता है, यानी चेयर तो 20 लेता है और टेबल 40 भी लेता है, तब भी तेरी कॉस्ट मिनिमम आएगी, मेरी बात समझ गए तुम, यानी इस लाइन सेगमेंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर कॉस्ट क्या आएगी, मिनिमम। अब मैक्सिमम कब आएगी, केवल एक ही पॉइंट के ऊपर 0.200। मान लो मैक्सिमम आ रही होती 50 और 100 पर, मान लो, तो आंसर क्या लिखते हैं कि 50 चेयर बनाओ और 100 टेबल बनाओ, ऐसे कई क्वेश्चन थे, जैसे हमने लैपटॉप और कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर कितने बनाए और ये डेस्कटॉप मॉडल थे, ये लैपटॉप थे, तो कि प्रॉफिट हमारा ज्यादा से ज्यादा आए, तो ऐसे वर्ड्स प्रॉब्लम में एक उनको समझाते थे कि हमें इतने लैपटॉप बनाने चाहिए, इतने डेस्कटॉप बनाने चाहिए, तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे इनके ऊपर। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा भी था कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है, एक क्वेश्चन ऐसा था वर्ड्स प्रॉब्लम में, स्टोरेज कैपेसिटी 30 की है, बस स्टोरेज कैपेसिटी जो है ना वो 40 की है, 40 से ज्यादा तुम टेबल नहीं रख सकते, 40 से ज्यादा टेबल नहीं रखनी मुझे, वर्ड्स प्रॉब्लम जो थी जो डिलीट हो गई है, ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं, 40 से ज्यादा टेबल आप नहीं रख सकते, तो बताओ इसमें क्या फर्क पड़ेगा आंसर, वो नहीं ले सकते ना सर, 0.50 नहीं दे पाएंगे ना, तो सुन ही लिया नहीं, अगर क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर हम रूम की कैपेसिटी 40 से ज्यादा टेबल लेनी नहीं, कंडीशन लगाई इक्वेशन में लिखा होता था,
We don't want to purchase more than 40 tables. तो ये खत्म हो जाता ना आंसर, बात समझ आ रही है? पर वो सारी चीजें डिलीट हो गई है इस साल। ऐसे क्वेश्चन थे। अब तुम्हारे एग्जाम में क्या है? इक्वेशंस हैं, प्लॉट करने, ग्राफ बनाने, मैक्सिमम और मिनिमम दिखाने, इससे ज्यादा कुछ नहीं। समझ आ गया? ये था बाउंडेड एरिया, इसे बोलते हैं बाउंडेड रीजन। क्या बोलते हैं इसको? तो लिख लेना, इसको हम बाउंडेड रीजन बोलते हैं। अब मैं दूसरा ग्राफ करूंगा अनबाउंडेड रीजन वाला। ये बाउंडेड रीजन आया ना, बाउंडेड बाउंडेड रीजन आया, बाउंडेड रीजन चारों तरफ से बंद है ना बच्चों। अब मैं करवा रहा हूं अनबाउंडेड रीजन। लिखा हुआ वहां पर एलपीपी बच्चों हमारा खत्म हो चुका है इसी क्वेश्चन के साथ ही, राइट? ग्राफ होमवर्क दूंगा, ग्राफ पेपर करके लाना होगा। अनबाउंडेड रीजन हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए वो नहीं करवा रहा, क्लियर? वर्ड्स कॉलम भी नहीं है, वो भी नहीं कर रहे हम, केवल बाउंडेड पोर्शन वाले क्वेश्चन ही तुम्हें होमवर्क में मिलेंगे। और ऐसे ही काम करने बस, समझ गए? कुछ पूछने अभी इसमें पूछ लो, ग्राफ ऐसे ही बनाने हैं तुम्हें।